नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 महिलाओं और कन्याओं को मुख्यमंत्री ने किया तिलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित। 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी दिया गया राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकारी पुरस्कार। किच्छा खटीमा नई रेलवे लाइन के निर्माण के सर्वे का काम हुआ पूरा। टनकपुर दिल्ली और लालकुआं से दक्षिण भारत के लिए रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया। राज्य में हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अवमुक्त किए 21 करोड़ रुपए। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कटारमल बागेश्वर बैजनाथ देवीधुरा हेरिटेज सर्किट को किया जाएगा विकसित। और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, अधिकारी योजनाओं को समय सीमा के अंदर करें पूरा। अब खबरें विस्तार से। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की 13 महिलाओं और किशोरियों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। देहरादून स्थित महिला सशक्तिकरण निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी उनके कार्य के लिए राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाकर ही समाज को आगे ले जाने जा सकता है। समाज में सुधार के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति व त्याग की भावना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तिलू रोतेली पुरस्कार समाज के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली माताओं और बहनों को समर्पित है। तिलू रोतेली उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना थी जिनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की जाती है। 15 वर्ष की आयु में उनकी सगाई हो गई थी और उसी दौरान लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और 15 वर्ष की आयु में उनके पहले पिताजी युद्ध में काम आ जाते हैं, फिर तिलू रोतेली स्वयं हथियार लेकर के और दुश्मनों से लड़ने के लिए बाहर निकल जाती हैं और लगातार 7 वर्षों तक वो युद्ध क्षेत्र में लड़ती हैं और 22 वर्ष की अवस्था में अपना जो उनका मूल गांव है उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर गौली खाल एक जगह है, वहां पर वो शहीद हो जाती हैं, बलिदान हो जाती हैं। महिला व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। तिलू रोतेली पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं के काम को मान्यता देना है जिन्होंने समाज सुधार के लिए कठिन संघर्ष किया है। से तिलू रोतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, ये पुरस्कार विगत कई समय से नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमने इनिशिएट किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज जो है तिलू रोतेली पुरस्कार का वितरण किया गया और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो कि बेहतर काम कर रही हैं, हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। मैं समझती हूँ कि ये दोनों पुरस्कारों से जहाँ महिलाओं को प्रोत्साहन मिला, उनके अंदर उत्साह भी बढ़ा और मैं समझती हूँ आगे भी जो ये संख्या हमारे पास में आज पहुँची है, मैं समझती हूं कि आगे चल के इस प्रोत्साहन के बाद में संख्या में वृद्धि होगी। वहीं इस पुरस्कार को पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आईं। विजेताओं का कहना है कि पुरस्कार मिलने से उनके काम को समाज में सम्मान मिला है। पुरस्कार मिला गया है जो कि स्त्री शक्ति का अवार्ड है और जो स्त्री शक्ति है वो अपने आप में ही एक शक्ति का रूप है और मैं इसको अपने लिए एक बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। जो विकलांग है, विकलांगताओं को दरकरार करते हुए ये संदेश देना चाहती हूँ कि सारे दिव्यांग लोगों को कि आप लोग किसी से कम नहीं हो, अपने आप को कभी कम ना समझें क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो भगवान का दिया हुआ है और वो एकदम सही है, वो अपने लिए सही और गलत का निर्णय ले सकता है और हमको भगवान ने जब दिमाग दिया तो हम ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स में हूँ, पैरा बैडमिंटन खेलती हूँ और एथलीट की खिलाड़ी हूँ। गौरतलब है कि प्रदेश में महिला शक्ति को सम्मानित करने और उनके कार्य की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष चयनित महिलाओं को तिलू रोतेली सम्मान से पुरस्कृत करती है।
पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को टनकपुर दिल्ली और लालकुआं से दक्षिण भारत के लिए रेल सेवा शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट करने आए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेलवे के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार रेलवे के साथ हर संभव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने काठगोदाम से देहरादून आने वाली ट्रेन का समय यात्रियों की सुविधा अनुसार तय करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर डीआरएम बरेली डीके सिंह भी उपस्थित थे। किच्छा खटीमा नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नया लोकेशन सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 166 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली करीब 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की डीपीआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा जल्द कराई जाएगी। इस बारे में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की बैठक हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लालकुआं काठगोदाम लाइन और काशीपुर कस्बे में अंडर ब्रिज बनाएगा। इस पर होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा उत्तराखंड भी वहन करेगा। इसके अलावा खटीमा बनबसा रेलवे लाइन पर भी एक अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुमाऊं क्षेत्र में कटारमल, जागेश्वर, बैजनाथ और देवी धूरा हेरिटेज सर्किट के लिए करीब 21 करोड़ रुपए अवमुक्त किए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में हेरिटेज सर्किट के तहत इन स्थलों को विकसित कर पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह प्रसाद योजना के अंतर्गत केदारनाथ धाम के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। पर्यटन मंत्री ने केंद्र सरकार और पर्यटन मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तराखंड को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करने और पर्यटन की असीम संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नैनीताल पहुंचे जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जिले के अधिकारियों के साथ केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री कौशिक ने योजनाओं के लिए कम बजट खर्च करने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि वो सरकारी योजनाओं को प्रदेश के हर व्यक्ति तक ले जाएं ताकि जनता उनका लाभ उठा सके। नैनीताल जिला योजना में अच्छा कर रहा है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप भारत सरकार में जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं, आप सब उनको अधिक से अधिक अपने जनपद में कैसे लाया जाए, उन योजनाओं की आप तैयारी करके और माननीय विधायक जी के माध्यम से और आप उन पर मेहनत करिए, जिससे कि भारत सरकार की योजनाओं में भी ये जिला बहुत अच्छा रूप से काम करे। बागेश्वर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी के मुद्दे पर गंभीर है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। देखिए, गैरसैंण के मुद्दे पर अभी तक तो राजनीति होती नहीं, लेकिन अभी मुद्दा इसका समाधान इसी दौरान होना है। पहली बार विधानसभा के अंदर जो 7 और 8 दिसंबर को विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा सत्र हुआ, उसके ठीक बाद जो सत्र हुआ वो भी गैरसैंण में हुआ, जिसे हम बजट सत्र के रूप में मानते हैं। अब आप देखिए, वहाँ पे लगातार हमने विपरीत परिस्थितियों में सत्र चलाया, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण वहाँ पे कराया, ये सब पहली बार हो रहा है। आपकी जानकारी में दे रहा हूँ कि 26 जनवरी को भी पहली बार 2019 गैरसैंण में हम लोगों ने किया। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष इन दिनों अपने 5 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट सहित प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री भट्ट ने कहा कि जनसंघ की स्थापना जिस उद्देश्य के साथ हुई थी, उन्हीं उद्देश्यों पर आज भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने पौधा लगाया, आज जो विशाल बट वृक्ष का रूप ले चुका है, पूरे विश्व में फैल चुका है, नंबर एक की पार्टी हम हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका आज जन्म दिवस हम सब लोगों ने यहाँ पर
बहुत प्रसन्नता के साथ मनाया है। जिन्होंने जो थीम दी, जिस आधार पर ये पार्टी खड़ी हुई, और उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उनके विचारों से आज ही जाके ये पार्टी का गठन किया, आज ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है और तमाम क्षेत्रों में आज आगे बढ़ रही है। लगभग दो दर्जन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में राज्य के उधम सिंह नगर जिले को मिले सम्मान पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की विकास परक सोच से क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्यों में आज हमारा शासन होने को जा रहा है और सभी राज्यों पर अगले साल तक हमारा शासन होगा, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। जो पार्टी पहले आसमान में थी, आज वो जमीन से पाताल में चले गई। जो हम बिल्कुल कुछ थे ही नहीं जन्म के समय, हमारे पास एक भी सांसद नहीं थे, आज हम विश्व की नंबर एक की पार्टी हैं और भारत में अपने बूते पर हमने अपनी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। तो ऐसे महापुरुष को आज हम सब लोग यहाँ पर याद करने के लिए और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गौरतलब है कि आज देश के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रुड़की की रहने वाली डॉक्टर सीमा सालार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर सीमा सालार के सेवा भाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उनका नाम केंद्र सरकार को भेजा था, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड से रुड़की के रहने वाली निजी अस्पताल की डॉक्टर सीमा सालार को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइवेट डॉक्टर्स का आह्वान किया था कि हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निशुल्क जांच की जाए। बहुत सब हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक पे भी ये सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ने इसको सीएससी नारसन से मैं जुड़ी हुई थी, तो हर महीने की 9 तारीख को मैं सीएससी नारसन जाके अपनी सेवाएं देती थी। उससे लाभ यह हुआ है कि जो उत्तराखंड राज्य की मातृ मृत्यु दर है, उसमें काफी गिरावट नजर आई है। अभी 29 जून को जेपी नड्डा हयात रीजेंसी होटल में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें श्री जेपी नड्डा जी ने जो डाटा प्रस्तुत किए हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग 8-10% की गिरावट इस क्षेत्र में दर्ज की गई है। दरअसल देश के कई हिस्सों में महिलाओं की गर्भ के दौरान खून की कमी या बीमारियों का सामना करने पर मौत हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए अब सरकारी और निजी डॉक्टरों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की समय समय पर निशुल्क जांच की जाती है। सरकार की इस पहल से लगभग 10% महिलाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक 5-सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी उद्योग जगत व राज्य सरकार के बीच विभिन्न विषयों को बेहतर ढंग से निस्तारित करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीआईआई नॉर्दर्न रीजन के अध्यक्ष सचित जैन के नेतृत्व में सीआईआई के प्रतिनिधियों से भेंट की। सीआईआई के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य को आगामी 20-21 अगस्त को सिंगापुर में आयोजित निवेशक सम्मेलन में प्रतिभाग के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि सीआईआई के द्वारा आगामी दिसंबर में चंडीगढ़ में आयोजित एग्रो टेक कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 13 महिलाओं और कन्याओं को मुख्यमंत्री ने किया तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित। 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी दिया गया राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकारी पुरस्कार। किच्छा खटीमा नई रेलवे लाइन के निर्माण के सर्वे का काम पूरा हुआ। टनकपुर दिल्ली और लालकुआ से दक्षिण भारत के लिए रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया। राज्य में हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अवमुक्त किए 21 करोड़ रुपए। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कटारमल जागेश्वर बैजनाथ देवीधुरा हेरिटेज सर्किट को किया जाएगा विकसित।
और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अधिकारी योजनाओं को समय सीमा के अंदर करें पूरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।